छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक बांध है जो लोगों के लिए जीवनदायिनी है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में विशिष्ट जलाशय में से एक बालोद जिले के तांदुला नदी और सूखा नाला नदी की संगम पर तांदुला डैम है। बांध का निर्माण अंग्रेज जमाने में सन 1912 में किया गया था। इसका कुल जल भंडारण 302.31 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यह बांध दुर्ग और भिलाई नगर निगम को पानी सप्लाई करता है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करता है। वाटर ट्रीटमेंट करके बालोद निवासियों को पेयजल प्रदान कर रहा है। 4 साल बाद इसकी अनुपम छटा प्रकृति के बीच देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। बांध का छलकना एक सुखद रूप में लोग एहसास कर रहे हैं। पानी क्या लाता है, इसका पानी हमारा BSP भिलाई स्टील प्लांट तक के लिए सप्लाई होता है और बालोद के लिए तो पेयजल की व्यवस्था, साथ ही साथ इस तांदला जो कैनाल निकली है इससे लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होती है। और ये जो आज डैम छलका है तो देख के मन प्रसन्न है, गदगद है और ये नज़ारा लगभग 4 साल बाद देखने के लिए मिला है। कल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ और वो भी मिट्टी के उससे बना हुआ है, मिट्टी और चूना वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा के जो पुराने समय में चलता था उसको लेके बनाया गया है। और यहाँ आई तो मेरे को इतना सुंदर नज़ारा लगा, यहाँ के चारों ओर से इतना प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसे लग रहा है कि पूरा प्राकृतिक अपनी छटा बिखेर रही है। और यहाँ का पानी तो एकदम ऐसे छोड़ रहा है कि जैसे कि बहुत अच्छी जगह में आ गए, ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे जगह में आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत लोग आए यहाँ देखने के लिए और मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर देख के, और लगता है कि सब कुछ आए देखने। बालोद से दीपक देवांगन, CGVision TV।